चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना ले। चीनी डाल लो। हाय भाभी हो तो आप जैसी और बीवी हो तो आप जैसी और मेरी चाय बन गई है, चाय उबल गई है, आटा गूंद गया, पराठे बनाने, अभी सारे बच्चे आ जाएंगे। एनी को ताकतवर बनाना हो, उसको एतमाद पूरा एतमाद बनाना होगा। वो सब कुछ जो हम नहीं बन सके, हम नहीं कर सके, एनी और फाखर को वो सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि एनी के पास तालीम की ताकत भी हो और पैसे की ताकत भी हो। आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है, ये आपका रेस्टिगेशन लेटर है। नहीं मैम, मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, ये पढ़ाई मेरा सब कुछ है मैम। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि पढ़ाई आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैम मेरा यकीन करें, मैंने बहुत कोशिशें की अपनी पढ़ाई को हासिल करने में। मैम मेरी पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरा ख्वाब है। आप मेरे ख्वाबों को मत छीने, आप मुझे बस एक और मौका दें, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं रोज कॉलेज आऊँगी मैम। ये मेरा नहीं बोर्ड का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हमसे है ना हर जा रहा है वो खुद अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए। अच्छी बात है, ज्यादा बार पढ़े लिखे जॉब करे काबिल बने। बस एक तो मोर में ही है चन का फ्यूचर ऐसा खोया है कि पढ़ता ही नहीं। क्या जबरदस्त स्पेशल किया था ना हमारे घर वालों ने हमारे फ्यूचर को लेके, बात करती है जीत। टेस्ट था मेरा आज, बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद सब फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूं फिर मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार, मैं भी फंस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता किस नाम से जाना चाहता हूँ, कपड़ों वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे आपस में बैठ के पता वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं, पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्यों की यार। सॉरी बाबा, ठीक कहते थे आप, नहीं आता मुझे कुछ, आई फेल यू। हिम्मत नहीं हार सकते तो अभी तो शुरुआत है, एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाता, वक्त लगता है, बहुत वक्त, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है। तुम्हारे बाबा कितनी बार हारे फिर उठ खड़े हुए। एक दफा हमारे बारे में ना सोच, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि अगर उस वक्त हमारे बारे में नहीं सोचती कि आप उस शख्स के साथ होती, उसको आप अपना शौहर और मेरा बाप कहती। प्लीज अरे मुआ सोच, अपनी पपी ले रख के देखे।
राहिला अब यहीं रहेगी। यहाँ? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? राहिला अब इसी घर में रहेगी। ये सब ठीक नहीं है अबीन। तुम शायद ये बात बिल्कुल भूल गए हो कि जहीर ने अपनी जिंदगी में ही फैसला किया था कि ये औरत इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अम्मा भाई साहब रहे नहीं है। भाई साहब रहे नहीं है इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारी नजर में खत्म हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके फैसलों की कोई अहमियत नहीं रही। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हालात बदल चुके हैं। मैं इसका शौहर हूँ, मेरे निकाह में है ये। इसका भी उतना ही हक है जितना आयशा का है। कौन सा हक? मुझे कौन सा हक दिया है आपने? है क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? जब जो कहा वैसा किया, हर बात आपकी मानी, जैसा आपने कहा वैसा किया। आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। कौन सा हक अदा किया? किस हक की बात कर रहे हैं अभी आप मुझसे? ये सुनाई ना तुमने मुझे खुशखबरी, दिल खुश हो गया मेरा ये बात सुन के। अभी तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। अब हम देखेंगे कि भाभी कैसे अकेले बिजनेस पे कब्जा करते हैं। हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे बिजनेस में से। नहीं, अब हम सिर्फ हिस्सा नहीं लेंगे, हम पूरा का पूरा कारोबार लेंगे। हाँ तो जहीर भाई की मौजूदगी में आपके फैसलों की वजह से ही कारोबार में नुकसान हुआ है, इसीलिए तो मुझे बुलाया था ना उन्होंने। और मैं सब कुछ सही तरह से देख तो रहा था, नहीं देख रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सज्जाद को भी मौका मिलना चाहिए बिजनेस संभालने का, ये भी अच्छे से जानते हैं बिजनेस को। क्या बात? नहीं एक मिनट, ये क्या कोई खेल चल रहा है? बारियां लगी हुई है, अब इसकी बारी है क्या? हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर किसको मिलेगा? फाखर को मिलेगा, जहीर के बेटे का हक है। भाभी अब फाखर तो अभी बच्चा है कुछ। हाँ अब फाखर कैसे संभालेगा बिजनेस को? अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप मेरे ख्याल से गलत जगह बैठ गए। मेरी चेयर है ना? तुम्हारी कुर्सी कब से हो गई भाई? बाबा की थी, उनके जाने के बाद मेरी हुई। और जब पहली दफा ऑफिस आया था तब आप नहीं बिठाया था यहाँ पे? मैंने तुम्हें अगर कह दिया था तो तुम सीरियस हो गए? अभी तुम बच्चे हो, यहाँ बैठ जाओ इधर सामने। ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? ये बिजनेस है और बिजनेस का उसूल होता है, तुम यहाँ बैठोगे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहोगे, वक्त बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। बताए मुझे आखिर आपने किया क्या है? जब आपको मौका मिला तब आपने हमारी जिम्मेदारियाँ बड़े अब्बू के सर डाल दी। जब आपको मौका मिला तब आपने हमसे जान छुड़ाई। एक औलाद की जिम्मेदारियाँ पूरी करना, उससे प्यार से बात करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ टाइम गुजारना, उसको अच्छी सी अच्छी तालीम हासिल करवाना, उससे प्यार से बात करना, ये सब एक बाप का फर्ज होता है अब्बा। लेकिन आपने अपना फर्ज तो नहीं पूरा किया ना। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या कह रहे हो? क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? क्योंकि तुम होश खो बैठे हो अभी। बेटियों पे हाथ उठाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं क्या? इस पढ़ाई ने इसका दिमाग खराब किया है। तुम अपनी जरा हद में रहो, जमीन पे रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम बजाय इसके किसको समझाओ, इसको शह दे रहे हो। हमारे घर की औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली है। इस घर की तमीज और तहजीब को तबाह करना चाहते हो? औरत जात को इंजीनियर बनाओगे, कल को फिर इससे नौकरी भी कराओगे, इसकी कमाई भी खाओगे तुम। ठीक कह रहे हमारे घर की औरतें तो यहां सिर्फ मर्दों के हाथों से जलील होने के लिए पैदा हुई। आपको आपकी तमीज और तहजीब मुबारक हो।
एक बात बताए, यानी कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किधर जाती है, कुछ तो पता होगा। कभी स्कूल छोड़ने तो गए होंगे? नहीं, जैसे पहले कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ना, तो इस बार भी नहीं दिखाई, बेहतर होगा।